चलो चलो मते मते चलो हमारे बाबा 4-5 दिनों से घर नहीं है और पता नहीं उन्हें कोई ले गया और हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं और हम लोग बहुत ही परेशान हैं और जहाँ पे भी उन्हें जल्दी ले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, पीडीएम के सरबराह की तरफ से जो पैगाम दिया गया है कि पूरे मुल्क से लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने इकट्ठे हैं और हम वकला कम्युनिटी इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि क्या ये 90 की दहाई को दोबारा दोहराया जा रहा है और पुरमन एहतजाज हर शहरी का हक है। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलहिक जमात आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट या किसी जगह के ऊपर भी पहुंचने की कोशिश करती है, पुरमन एहतजाज की कोशिश करती है, उस वक्त उनको इजाजत नहीं दी जाती और दफा 144 लगा दी जाती है। एक पुरमन एहतजाज आईने पाकिस्तान हमें इजाजत देता है, लेकिन इस वक्त के ऊपर इस तरह की हुकूमत की तरफ से इजाजत देना और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए दफा 144 लगाना ये दोहरा मेयार है। हम किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आईन के ऊपर हमले की बिल्कुल इजाजत नहीं देते और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है इलेक्शन के हवाले से कि बेसिकली इलेक्शन को डिले करवाना चाहते हैं, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत को दी गई इजाजत जो है उसको वापस लेने का मुतालबा करते हैं। बहुत शुक्रिया।